न्यूज इंडिया। खबर है गोंडा जनपद के एटिया थोक क्षेत्र की, जहां एकल अभियान के तत्वाधान में रक्षा बंधन का कार्यक्रम एटिया थोक कोतवाली में संपन्न हुआ। एकल अभियान की बहनों ने पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। सभी पुलिस कर्मियों ने एकल अभियान की बहनों को सुरक्षा का वचन दिया। एकल अभियान के बारे में अंचल अभियान प्रमुख त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने जानकारी दी। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर संचित समिति अध्यक्ष राजेश ओझा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालक अंचल गतिविधि प्रमुख महेश कुमार ने किया। कार्यक्रम के समापन पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश पांडे ने शिक्षा और संस्कार पर विशेष जोर दिया। वहीं महिला सशक्तिकरण पर महिला आरक्षी साधना सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एकल अभियान की बहनें सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार त्रिवेदी की यह रिपोर्ट। कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है? मेरा नाम त्रिलोकी वर्मा है, मैं अंचल अभियान प्रमुख गोंडा से हूँ। आज का अपना रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जो कि हम विगत वर्षों से थानों में, पुलिस चौकियों में, SSB कैंपों में BSF के जवानों को रक्षा सूत्र बांध कर उनके मंगल कामना के लिए और हमारी बहनें सुरक्षा अपने आप में महसूस करें, इस उद्देश्य के लिए हम प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम करते हैं। ये एकल अभियान कार्यक्रम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? एकल अभियान 1988 से झारखंड में प्रारंभ होकर के आज 32 वर्ष का हमारा संगठन हो चुका है, जिसमें प्रथम शिक्षा हम प्राथमिक शिक्षा के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनमें भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा देने के साथ साथ योग शिक्षा का भी हम कार्यक्रम प्रत्येक गांव में करने का प्रयास करते हैं और पूरे अपने भारत में 1,02,345 स्कूल संचालित हैं। अपना पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में भी हमारे 4,000 विद्यालय संचालित हैं। हमारा उद्देश्य है हम गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। हमने अभी हमारे ध्येयवाक्य में कहा गया था, हम सब भारत माँ की संतान हैं। आज माँ के आँखों में आंसू हैं, हम माँ के आंसू पोंछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। इस उद्देश्य, इसका कहने का हमारा यही तात्पर्य है। उसमें आगे उसका भावार्थ भी कहा गया है कि देश में रहने वाला 40 करोड़ का समाज ही धरती की ताकत है। अर्थात हमारे 100 में 70% ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ अशिक्षा का भी शिकार है, लोग शिक्षित नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं। इस दिशा में गांव को शिक्षित करना, संस्कारित करना, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत और संस्कारी भारत, ऐसे 5 ही शिक्षाओं के माध्यम से हम गांव का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं।